तो भाई आज हमने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है यहाँ का और यही पहन के हम बारात में जाने वाले हैं। हम क्या दूल्हा बनने वाला हूँ ना, मैं तो थोड़ा हेयर कट थोड़ा तैयार हो जाए। देखो क्या है, बैलगाड़ी, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। ये इनका घर सबसे इधर लास्ट में पड़ता है और सबसे ऊंचे पे पड़ता है और दूर से इनकी दीपक जी की हवेली दिखती है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो खूब सारे तालाब, नहीं होता तालाब, तालाब से मिट्टी लाते हैं फिर उसका चूल्हा बनता है, वो मंडप के नीचे रखते हैं। जय जोहार, गुड मॉर्निंग, राम राम, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। और हम आए हैं दीपक जी की शादी में, अभी दीपक जी के घर में हैं और ये देखो कौन है, आंटी जी, जो कि सुबह सुबह काम में बिजी हैं और हम भी सबके साथ में बस देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव है, बहुत कुछ चीज़ें देखने को हमको मिल रही है नई नई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिखाते हैं थोड़ा, कुछ लोग खाना वाना बना रहे हैं, कुछ लोग जानवरों को खाना खिला रहे हैं, मतलब ये भी घर के ही मेम्बर हैं, और भी सारे काम है, साफ सफाई हो रही, दिखाते हैं हम थोड़ा। गुड मॉर्निंग काकी जी, वैसे काकी जी आंटी जी वही होता है, यहाँ काकी बोला जाता है। और आप खाने की तैयारी कर रहे हो, चाय वाय हो गया? चाय हो गई ना, हमारी चाय इतनी लेट में हो रही, सबका यहाँ पे बेटी होता है ना, हम नहा धो के पी रहे। और ये देखो सबसे ज्यादा रोने वाला लड़का रो रहा है, क्यों रो रहे हो, चाय पीना है चाय? अच्छा नहीं बात करेंगे, हम जा रहे हैं। और ये देखो दीदी यहाँ रोटी बना रही हैं, आपकी भी चाय हो गई? चाय हो गई, सबकी हो गई। देखो ये मिट्टी के तवे में रोटी बन रही है। ये देखो घर के और मेंबर खाना खा रहे हैं, ये क्या है, मारे वारिंग तो नहीं, चने, चने के दाल है ये दाल। अच्छा वो उसको दाल निकाल लिए, बाकी इनको दिए खाने के लिए, खाने के लिए। देखो सब इकट्ठा खा रहे हैं, भाई मारियो अरियो ना आंटी जी, तो ये इनका सबका ध्यान रखते हैं, दूध दूध निकालते हैं, सारा ध्यान आंटी जी रखते हैं, बाकी घर का काम जो है वो दूसरी वाली काकी करती हैं। और ये है आटे वाली मशीन, जब हम आए थे कल तो इसमें दादाजी जो थे वो आटा पीस रहे थे, मतलब कितना ऑर्गेनिक है ना, हम लोग बाहर चक्की में आटा पिसवाते लेकिन ये घर पे ही पीस लिया इन्होंने, इतना सारा जितने भी लोग आएंगे शादी में सबके लिए यहीं पे बनेगा, मतलब यहीं का आटा है उसी का खाना बनेगा, पूड़ी बनेगी। और दिखाते हैं, ये पूरा दीपक जी का घर है और अभी सारी तैयारियां चल रही, शादी का घर है तो जोर शोर से सब तैयारियां चल रही। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ क्या होता है 15 दिन पहले सब साफ़ सफाई करके सब रेडी कर दिया जाता है, लेकिन आपको तो पता ही है यहाँ बहुत सारी खेती होती है। ये देखो इधर ये लहसुन रखा हुआ है। और दीपक जी कहीं जा रहे हैं? आज हम क्या दूल्हा बनने वाला हूँ ना, मैं तो थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाए, अभी कल अभी तक तो काम किया, अब दूल्हा ना तो आर्डर मारूंगा अभी। हाँ जी ऐसा करो यार, हाँ जरूर 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 जरूर। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है 15 दिन पहले साफ सफाई करके घर डेकोरेट कर देते हैं और खत्म, मतलब तभी से पूरा लगने लग जाता है कि शादी है। आपके यहाँ अभी सारे काम हो रहे हैं, मतलब सफाई फाई हो रही है? अरे तो आपके यहाँ दूसरा काम नहीं है ना, खेती, मतलब खेती वेती है नहीं। हाँ हाँ, जगह पे ध्यान देना पड़ता नहीं, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शादी का घर है अभी लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पता है इकट्ठा एक ही दिन लगता है, कल देखना, ये बोला कि शादी है कि मेला है। हाँ भाई, तो आप जो देख रहे हो ना वो इसलिए क्योंकि ये दीपक जी के यहाँ ये पूरा गांव है और यहाँ पे क्या खेती बहुत ज्यादा होती है, तो पूरा हर जगह फसल वसल रखा था तो वो सारा हटा वटा के अब सफाई हो रही है। हाँ तो दीदी बोल रही है अभी कपास निकल रहा है इसी की वजह से इतना लेट हो रहा है, और अभी आपको लग नहीं रहा देख के कि हाँ शादी है, लेकिन अभी जब आप कल देखोगे तो आपको लगेगा कि शादी है या मेला है। और ये देखो ये किसका झूला है, अपने गाना भी बना रखा है झूले। अच्छा ये दादाजी का झूला है, इसपे सोते हैं वो, और अभी हम बैठे हैं दादाजी की जगह। नहीं मेन क्या है ना, देखिए देखिए क्या है ना, हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम बताएंगे हम शादी में आए तो लोग क्या बोलेंगे, अभी तो लग ही नहीं रहा कि शादी में हो आप, नहीं दीपक जी लोग बोलेंगे ना, तो इसके लिए उनको बताना जरूरी है कि क्यों नहीं लग रहा है। अच्छा घर के लोग तो आ ही गए हैं सभी, दीदी और दीदी बुआ लोग अभी आएंगी, मामा 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 वो लोग गाएंगे अभी, तो जो घर के मेंबर है वो आ चुके हैं, बाकी यही रीजन है कि गांव में लोग
अभी यहाँ ज्यादा है, कल आएंगे, कल इतना लगेगा कि भाई आप देखते देखते थक जाओगे कि भाई शादी में गए हो दीपक जी की या किसी मेले में पहुंच गए हो। देखो ये सबसे अच्छी जगह है। अच्छा नीचे से रास्ता है, ये देखो आम का बाग, कितने सारे आम लग गए हैं, देख देख के लालच आ रहा है तोड़ तोड़ के खाएं जाके। बाकी के लोग वहाँ बैठे एकदम मस्त वाली हवा ले रहे, और इधर बाकी का गांव काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, और देख रहे वो नल है, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, नल पे जाके पानी भर के सैतानियाँ, और अभी ये बच्चे कर रहे हैं, बहुत छोटे थे तब करते थे, अभी तो कहाँ यार, ये सब गाँव में ही देखने को मिलेगा। हाय आ जाओ आ जाओ, देख के आना देख के, अरे उधर से आओ। दीपक जी का घर भी अंडरग्राउंड बना है, हमको भी नहीं पता था। ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से अंदर रूम से, यहाँ से नीचे ये पूरा अंडरग्राउंड है, वो बाहर निकलता है, अभी ये आ रहे। अरे ये देखो आ गया, इधर आओ इधर आओ, क्यूट सा लड़का है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नानू, बेटू बेटू, और इसको हम उठा ले जाएंगे अपने घर, चलोगे चलोगे? हमारे यहाँ खूब बड़ी सी दुकान है, खूब सारी चॉकलेट बिस्किट चीज चिप्स जो भी मन करेगा खाना। नहीं ये लड़का भाव नहीं दे रहा, हम नहीं जाएंगे, चलोगे कि नहीं? पहले हाँ नहीं बोलो। देखो ये है सबसे छोटी सिस्टर, और अभी सबके ब्यूटी वाला ट्रीटमेंट करना है, वैसे हम ब्यूटिशियन नहीं है, हमको आता नहीं है, लेकिन आज हम करेंगे, ये है हेयर स्पा, तो आज दीदी का हम करेंगे, अभी थोड़ा काम वाम कर लेंगे तो क्या बोल रहा? सारी तैयारियां करेंगे। क्या बोल रहे बेटू, क्या बोल रहे, किसकी शादी है, किसकी शादी है, मामा की, सबसे ज्यादा नटखट यही है। अच्छा पेड़ों की कटिंग की गई है, अच्छा यही साफ करना है, ये देखो पेड़ों की कटिंग हुई है, अभी सारी तैयारियां चल रही हैं। भाई आज से दीपक जी की शादी की सारी रस्म शुरू हो जाएगी, आज से वो दूल्हा बन जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो दूल्हा होता है उसी दिन उसको नहलाते धुलाते हैं फिर दूल्हा बनता है, रात में जाते हैं फिर दूसरे दिन दुल्हन लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे दो तीन दिन पहले से उसको दूल्हा बना दिया जाता है, तो आज दीपक जी को दूल्हा बनाया जाएगा, आज रहेंगे फिर कल फिर परसों जाएंगे वो दुल्हन लेके आएंगे। देखो क्या है, बैलगाड़ी, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, लकड़ी लाने, खाना बनाएंगे तो कहाँ, जंगल से लाएंगे क्या? देखो ये जा रहे हैं अंकल जी लेके इसको, बैलगाड़ी को लेके वहाँ से लकड़ियाँ लाएंगे इस पे, और ये रहा पूरा गांव दीपक जी का, पूरे घर वर, ये इनका घर सबसे इधर लास्ट में पड़ता है और सबसे ऊंचे पे पड़ता है, और दूर से इनकी दीपक जी की हवेली दिखती है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो खूब सारे पेड़ लगा रखे, इससे काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा होती है, इधर ये वाले पेड़ लगे अशोक के, और इधर ये लोगों के, जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ ये जो दिख रहे खेत सब में कपास वगैरह लगा था, किसी में चना लगा था, सब में फसल लगी हुई थी, अभी सब खाली है, और ये लोगों के घर बने हैं, और लोगों के घर उधर है ये देखो, और ये रही पानी की टंकी जिसपे दीपक जी चढ़ के उन्होंने वीडियो बनाई थी। कोई रिलेटिव है? अच्छा ये देखिए एक आंटी जी आई हैं, आंटी जी थोड़ा ऐसे मुड़ जाइए, आंटी थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए एक मिनट। ये देखिए, अरे जो आप पहनी है वो अच्छा लग रहा है। आंटी शर्मा रही है, शायद उन्होंने जो पहना है वो यहाँ का कल्चर है, मतलब ऐसा पहनते हैं, लेकिन लोग साड़ियाँ भी पहनते हैं। क्या हुआ? अच्छा शर्मा गई, हाँ हमको भी लगा शर्मा गई है। देखिए ये है मिट्टी, हमारे यहाँ मिट्टी दूसरे कलर की होती है, यहाँ ब्लैक मतलब काली कलर की होती है, और आंटी जी मिट्टी इसको गीला कर रहे हैं क्योंकि इसका चूल्हा बनाएंगे ना शादी में खाना बनाने के लिए। ये सेम वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ शादी में होता है तो चूल्हा बनाते हैं,
और उससे खाना बनता है, नया चूल्हा बनता है। तालाब नहीं होता, तालाब, तालाब से मिट्टी लाते हैं फिर उसका चूल्हा बनता है, वो मंडप के नीचे रखते हैं, तो यहाँ भी रखते हैं मंडप के नीचे। ये तो अंदर। अच्छा, वो ये जो बनेगा ये अंदर किचन में रखा जाएगा। भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे यहाँ जैसे है, मिट्टी ला के उसका चूल्हा बनेगा और ये बड़ी सी कढ़ाई। तुम्हारा नाम क्या है? पायल। हम जो बोल रहे हिंदी समझ में आती है? नहीं आती। अरे तो अभी हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो कैसे बताई? हैं, भोजपुरी आती है? भोजपुरी। अच्छा सुनो, हम अपने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? हैं, केली। ये गांव ना है तुम्हारा? देखो हम लोकल लैंग्वेज में बतिया रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है, हिंदी खड़ी हिंदी नहीं समझ में आ रहा। भाई हम एक चीज़ नोटिस किए हैं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो कम समझ में आ रहा है, लेकिन हम अपने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है, नहीं आंटी जी? भाई कोई आ गया है, बहुत सारे रिलेटिव आ रहे हैं और उसमें से ये देखो और कैसे हैं? आप कैसे हो? हम भी बढ़िया। अच्छा, और आपके वो नहीं आए? शाम तक आ जाएगा। शाम तक आएंगे? बिल्कुल, उनका घर तो पास में ही है ना? पास में नहीं, हमारा दो किलोमीटर दूर आगे है मेरे घर से। अच्छा, चलिए बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों हो गए? तो अभी रुकेंगे, चले जाएंगे? अब मेरे को गंगान तक जाना है, गंगान मना तो वापस हो रहा हूँ शाम तक। अच्छा, मैं सोचा कि दीदी के साथ मिल लेता इतनी दूर। अरे जा रहे हैं खाना खाने, और दीपक जी जो कि दूल्हा है और अभी वो कहीं बाहर गए, उनका उपवास है, मतलब कि फास्ट है, हमको भी नहीं पता था, हमको लगा वो खा पी के गए होंगे। आए गए की सब्जी है? ये लौकी है। ये लौकी है? लौकी बेसन मिला के बनाई है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हम ऐसी सब्जी खाएंगे। और ये क्या है? अच्छा, गिलकी में छाछ मिलाया है। गिलकी। और ये? ये लौकी है। ये लौकी है और ये तरोई है। हाँ। तरोई गिलकी वही बोलते हैं। हाँ। तो आज का खाना हमारा ये है, खाते हैं मस्त। आप नहीं खाओगे? खाइए। 11:30 हो रहे हैं, कितनी भयंकर धूप लग रही है, देख रहे हो? हमने चुनरी वुनरी ओढ़ ली है अपनी और एकदम तैयारियां खूब चल रही है, डेकोरेशन का सामान आ गया है, आज से पूरा टेंट वेंट लगना शुरू हो जाएगा। बच्चा पार्टी आ गई है और ये लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं। ये ड्रेस है जो यहाँ के कल्चर वाली है, जैसा सब पहनते हैं। नहीं दीदी? तो दीदी हमको बोल रही कि आप एक सेलेक्ट कर लो और आप पहनना, तो वही हम देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी है दीदी के पास में, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सेलेक्ट हो गया, हम इसको पहनने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये देखो भाई, हमने एकदम यहाँ का गेटअप किया है, दिख रहा है कैमरे में पूरा, हम दिख रहे हैं सामने से, देखो। हाँ, दिख रहे हैं। देखो पूरा हमने पहन लिया है, दीदी ने, मम्मी ने, सबने मिलके हमको पहनाया है। वाह यार, हमको अच्छा लग रहा है। और एक चीज और, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई चीज हम सही से ना बता पा रहे हो या गलत बोल दिया हो, कुछ भी, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, अगर कुछ भी गलती से कुछ बोल दिए हो तो उसके लिए माफ कर देना प्लीज यार। बिंदी की कमी थी, बिंदी की कमी लगा रही है। अच्छे लग रहे दीदी, बोल। अच्छे बोल रहा। कैसे लग रहे नानू? कैसे लग रहे? वो नहीं बोल रहा। अच्छे लग रहे बोल दे। कैसे लग रहे? तो भाई आज हमने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है यहाँ का और यही पहन के हम बारात में जाने वाले हैं, और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और ये वाली वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपको अच्छी लगी हो, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो भाई। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? शादी वाली वीडियो देखनी है तो कर लो, और मिलते हैं आप लोगों से नए वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो, बाय बाय।